स्मार्ट लोग आ चुके हैं टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है अब मिले हो आगोरी से आ, मिला हूँ वो आप में ये चीज़ पहचानते हैं कि आप भी करते हो? दो हाँ एक तो ए, उ, उन लोगों को तो ये पता होता है आ, आ, एक बार मैं कामाख्या में था जी आ, एक फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा कब वो जून के महीने में बीस तारीख से छब्बीस तारीख तक होता है जैसे कुंभ मेला होता है ना वो मान लीजिए कि चार दिन मंदिर बंद रहता है वहाँ पे माँ माँ का जो गुफा है गर्भगृह है वो जो प्रधान जगह जो है स्थल है वहाँ से एक एक स्रोत पानी का बहता है वो पानी जो है उसका र, रंग जो है लाल हो जाता है उस चार दिन मंदिर बंद रहता है पूरा इंडिया में जितने जो कोई तंत्र साधना करते हैं ओघर साधना करते हैं इत्यादि करते है, सब उस समय आते हैं ऐसे लोग जो कभी और बाकी कभी नहीं दिखेंगे आपको उस चार दिन वह मंदिर में आएंगे वो वो एक 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 जगह प्लेस ऑफ एक रेफरेंस का है वो इसीलिए कामाख्या माँ कामाख्या का इतना महत्व है इतना इतना ये है इतना मर्यादा है और इतना श्रद्धा है इस रास्ते में इस बात में तो उस समय पर मैं गया था काफ़ी सालों समय और बहुत अवघर लोग भी आते हैं तो कुछ आ, आ, Uh, कुछ औघर लोग आए हुए थे जो uh, किनाराम आश्रम से काशी में किनाराम आश्रम किनारा बाबा एक बहुत बहुत बड़े संत थे अवघर संत थे uh, जो काशी में रहते थे शायद पंद्रह फिफ्टीन सेंचुरी होगा या uh, ऐसे समय पे तो एकदम संत थे जैसे तुलसीदास जी हम लोग मानते हैं कि एक संत है वैष्णव संत वैसे औघड़ संप्रदाय में उन बहुत ही बड़ा मान्यता है उनका एकदम बहुत बड़ा संत थे तो उनके जो संप्रदाय है अभी भी काशी में है उनको किनाराम संप्रदाय कहते हैं और अवघर साधना करवाते हैं पूरा गुरु परंपरा चलता है तो वहीं से कुछ कुछ आए हुए थे कुछ कुछ शिष्य को ले के दीक्षा देने के कारण और उसी समय मेरा कुछ इंटरेक्शन हुआ था फिर काशी में भी एक आद समय मैं जाता हूँ अपने साधना करने के लिए एक समय मतलब तो जाता ही रहता हूँ एक्चुअली करीब ऑलमोस्ट हर साल ही जाता हूँ एक बार काशी में हो ही जाता है मेरा तो काशी में दो स्मशान है बहुत पुराना जो महाश्मशान कहते हैं सब सब्स सम, सब स्मशान भी एक तरह का नहीं होता है जिन लोग तो वहाँ पे वहाँ पे मिल जाता है जो जेनुइन और है ऐसे बहुत सारे हैं कि ड्रेस वेस लगा के घूम रहा है आ, वो आश, आश हाँ वो इतना बहुत आसान है आप भी कुछ ड्रेस लगा लीजिए कुछ इधर उधर विभूति लगा लीजिए बाबा का कुछ एक रुद्राक्ष बड़ा सा लगा लीजिए और एक आध डायलॉग बोल दीजिए वह भी होकर बन जाएंगे तो कैसे पहचानते पर ये ये इतना आसान नहीं है आपका साधना सही होना चाहिए ये भगवती सिखाएगा आपको कि कौन जेन्यन है कौन नहीं है ऐसा कोई थम रूल है ही नहीं जो आगोगरी बाबा आपसे मिले उन्होंने आपको कुछ बताया मतलब आ, आप आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली क्या बताया पर बस थोड़ा बहुत बता दीजिए कि आपको स्पिरिचुअल विद्या हाँ, हाँ विद्या नहीं एक्चुअली एक से ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है तो एक बार तो ऐसे ही उनसे बहुत बात हो रहा था आ, वो भैरव बाबा को उपासक थे और बस जनरल बातें हो रही थी वो और उस समय पर और एक एडवांटेज मेरा ये भी होता था अभी तो मैं छोड़ दिया हूँ पहले आ, मैं सिगरेट बहुत पीता था तो तो आ, उस अवस्था में जब आ, वहाँ पे जब रहते हो कुछ ना तो आप एक एक सिगरेट ऑफर कीजिए तो वो वहीं से एक मतलब एक आ, आपका जैसे कि एक फ्रेंडशिप एक बन जाता है किसी से हाँ तो बाबा जी वो ग्रहण ये लिए फिर बैठे वहाँ पे फिर बात करते रहे हम लोग तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो क्या कर रहे हो यहाँ पे कितना कौन सा साधना करते हो इत्यादि थोड़ा बहुत तो उन्होंने आपके बारे में उनके बारे में बताया आ, उनका पैदाइशी स्मशान में हुआ था उनके जो पिताजी थे वो भी ऑगर थे माता माता भी डिटेल्स पूरा उतना नहीं बताया उन्होंने फिर वो बताया कि भैरव भैरव बाबा का वो पूजा करते थे और भैरव साधना के बारे में कुछ कुछ चीज़ उन्होंने मुझे बताया था उस समय पर नेगेटिव इंटरेक्शन भी हुआ है अच्छा? से हाँ मेरा असली आघोरी से हाँ हाँ नेगेटिव इंटरेक्शन यानी एक बार इ, इसका पूरा डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा बट ओवरऑल स्केच में बताता हूँ बोलिए बोलिए uh, मैं कुछ अपना साधना कर रहा था कामाख्या में ही वही कामाख्या ही है मेरा मतलब सब वहीं पे मैं जाता रहता हूँ मतलब आप पूजा कर रहे हो पूजा साधना मतलब ये जो आप मंत्र जब कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो ये सब साधना है साधना मतलब एक मतलब एक, एक प्रोसेस जो डिसिप्लिन हाँ डिसिप्लिन में एक डिसिप्लिन वे में आप प्रोसेस कर रहे हो हाँ देवता के पास आप जब पहुँच पाओगे आध्यात्मिक आपका प्रोग्रेस होगा इसीलिए तो कर रहे थे मुझे याद है एक बाबा जी थे सडनली आए मेरे सामने ऐसे आ आ ही बात करने लग गए और मुझे बोले कि अरे मैं तो तुम्हारे लिए वेट कर रहा था तुम तो यहाँ पे हो अचे बोला अच्छा तो फिर और दूसरा बात है कि उन्होंने बोलने लगे तुरंत कि मैं क्या मंत्र जब कर रहा था कौन सा साधना कर रहा था क्या क्या चीज़ कर रहा था ए टू जेड एक्यूरेट एकदम सौ परसेंट एक्यूरेट सौ परसेंट और आपको जो है कोई अगर आपके सामने बैठ के ये सब चीज़ ऐसे बोलने लग जाता है तुरंत आपको लगता है कि आ, कि कुछ तो है ऑब्वियसली ये तो मतलब फ्लूक से नहीं हो सकता है ना और इतना तक कि उन्होंने एक मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था उस समय पे बाकी और भी चीज़ करता था तो उसमें से एक आध श्लोक जो जिसके ऊपर मैं ध्यान करता था तुरंत बता दे कि अच्छा ये वाला श्लोक है ये ऐसा है ये अच्छा लगता है ए, ए बी सी डी सब ठीक है एकदम जैसे कि आपको एक इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना रीडिंग एन ओपन बुक वैसे तो मैं तो देख रहा हूँ फिर मुझे बोला कि न, आ, आ, मैं तुम्हें एक दीक्षा दूंगा विशेष मतलब दीक्षा यानी एक वही है जो तंत्र साधना में दीक्षा चाहिए होता है टिकट टिकट विशेष दीक्षा एक विशेष साधना के लिए तो उन्होंने बोला कि एक विशेष दीक्षा मैं दूंगा और ये दीक्षा जो है एक स्पेसिफिक कुछ साधना है इसके लिए ज़रूरत है तो वो साधना के बारे में मेरा तो थोड़ा आइडिया था और अंदर में एक लालच भी आता है तो कोई आके दुनिया का ये नियम है कोई आके आपको बोलेगा कि अच्छा आप ये सब कर रहे हो तो बहुत बढ़िया हो आपके लिए विशेष दीक्षा आ रहा है तो आपको एक एक इंपॉर्टेंस का फीलिंग होता है अंदर में अच्छा दैट मे बी यू आर स्पेशल कुछ तो हो रहा है अलग अलग तो आप तुरंत हाँ बोल देते हो विदाउट बाकी कुछ जज नहीं करके लेकिन उस समय पर तो उन्होंने बोला ठीक है इस समय पे रात को आ, कुछ तांत्रिक दीक्षा होता है जो रात को होता है इस समय पे एक जगह है वहाँ पे आप आ जाओ आ, एक अनुष्ठान होगा और वहाँ पे आप दीक्षा के लिए तो दे रात को ऑलमोस्ट एक डेढ़ बजे मैं गया वहाँ पे जगह पे स्पेसिफिक जगह और डिटेल्स वगैरह मैं कुछ नहीं बताऊँगा बस इतना है कि वहाँ गया पे जब मैं पहुँचा वहाँ पर देखा कि वो थे उनके शिष्य थे आ, कुछ इत्यादि और वो सेटिंग देख के मुझे एक इंट्यूशन जैसा आया कि ये दीक्षा नहीं है कुछ तो और ही हो रहा है आपको डर लगा डर नहीं गुस्सा आया आपको डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि माता आपके साथ थी वो मुझे पता नहीं मैं बस बता रहा हूँ कि जो हुआ okay. चल ली डर नहीं लगा गुस्सा आया आपको हाँ सडनली एकदम से एकदम कन्विंस था मुझे पता नहीं है ये क्या हो रहा है क्योंकि उतना मेरा नॉलेज था नहीं उस समय पर लेकिन इतना है कि ये दीक्षा है ही नहीं ये तो कुछ और ही कर रहा ही है। और, आ, और शायद आई मैं अगर उन कोऑपरेट करता हूँ तो मेरा ही कुछ नुकसान होने वाला है क्या हो सकता था नुकसान? आ, बहुत सारा मेरे हिसाब से ए, ए, कुछ कुछ ऐसे पद्धति है जो अगर ए, किसी के ऊपर किया जाता है उसके बाद से आप चाहे कितना भी साधना करो आपका जो शक्ति जो एक्यूमुलेट होता है कोई भी मेडिटेशन कर रहे हो या जब कर रहे हो वो किसी और के पास चला जाएगा वो कहीं पर भी हो दुनिया में ये सब पॉसिबल है असंभव कुछ नहीं है दुनिया में तो लेकिन उस समय मुझे इतना आइडिया नहीं था बस इतना मेरा आई वॉज़ श्योर कि ये जो है ये ये सही चीज़ नहीं है कुछ भी जो भी हो रहा है ये सही चीज़ नहीं है तो एकदम से गुस्सा आ गया एकदम दिमाग में और गुस्सा आ गया मैं उनको बस बोला कि आ, ऐसा है कि जो भी आप कर रहे हो मुझे तो पता नहीं है लेकिन ये सब एकदम बकवास है इट आज़ वेरी रफ मैनर मैंने ऐसा मतलब अभी वो रिक्रिएट नहीं कर पाऊंगा वो लैंग्वेज भी रफ था मेरा उस समय पर तो <laughs> फिर मैं उनको बोला कि इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मेरा गुस्सा आ गया जो देवता को मैं पूछता हूँ वो भी गुस्सा हो जाएंगे और फिर आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा इतना गारंटी मेरा है आपको आप चाहे कितना भी तंत्र साधना कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए हिमालय के ऊपर भी चढ़ जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा अगर दिमाग खराब हो जाएगा जिनका पूजा मैं करता हूँ वो आपको नहीं छोड़ेगा आप किन की पूजा करते हैं माता के कोई भगवती के कोई रूप का ही हाँ इसीलिए तो कामाख्या में था मैंने इतना जाता रहता हूँ तो तो उन्होंने आ, मुझे याद है वो, वो शायद उनका सिक्सटी सेवेंटी उम्र होगा उनका हाँ शक्ल याद है मुझे नाम कुछ याद नहीं है पूरा शक्ल याद है अभी कभी भी देखूँगा तो मैं रिकोगनाइज़ कर जाऊँगा तुरंत और क्षमता था उनमें क्योंकि उन्होंने जो प्रडिक्शन दिया था देख के एकदम हंड्रेड में हंड्रेड एक गलत नहीं था अच्छा आ, तो उन्होंने देखा मेरे तरफ सडनली उठ गए खड़े हो गए ऐसे एकदम प्रणाम किया प्रणाम मुझे नहीं कर रहे थे वो जिनका मैं पूजा करता हूँ भगवती का जो स्वरूप का उनको प्रणाम कर रहे थे बोले ठीक कोई बात नहीं तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरा रास्ता और ये चीज़ जो हम लोगों के जो इंटरेक्शन उसको भूल जाओ दिमाग से एकदम निकाल दो और अगले दिन दो दिन बाद वो वो भी वही पहाड़ में ही थे कामाख्या में मैं भी था तो रोड पे दिख गए तो वो बस दूर से एकदम प्रणाम करके तुम तुम्हारे रास्ते बस दैट वाज़ दी वो इंटरेक्शन के एंड था लेकिन उस एक दिन में उनके साथ जब मैं था वो ऑघर थे ऑघर इन दिस एकदम पूरा ऑघर थे तंत्र साधना का वो चरम अवस्था में वो जो जो, जो जैसा मैं बता रहा था कि स्मशानिक जो साधना होता है उसका एकदम एक्स्ट्रीम में जब जाता है तो अगर साधना बन जाता है वो तो आ, लेकिन उन उन्होंने जाने से पहले जब उनके साथ मैं बैठा था सारा दिन बैठा था तो फ्यूचर का कुछ कुछ प्रडिक्शन दे के ऐसे ही बात करते करते उस समय मैं बॉम्बे में था मैं जैसे पिछले पॉडकास्ट में बता रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि बॉम्बे जा रहे हो अच्छा एक काम करो बॉम्बे मत जाओ तुम्हारा बॉम्बे ख़त्म हो गया टाइम ठीक है तुम्हें दूसरे जगह जाना है इस साल में इतने साल में तुम्हारा ये होगा आ, एक जॉब लगने वाला है इस जगह पे ऐसे होने वाला है फिर उस समय पे मेरा शादी नहीं हुआ था तो ऐसे सडनली मुझे पूछा कि शादी का क्या सोचे बोले मुझे नहीं करना है क्योंकि मेरा रास्ता ऐसे ही है उसमें तो सांसारिक जीवन कैसे हो तो एकदम चिंता मत करो माँ का इच्छा है कि शादी होगा और इस समय पर होगा और यू विल गेट अच्छा उसको उनको बंगाली आता था तो इसीलिए मेरे को बंगाली में वो सेंटेंस वगैरह याद है तो एकदम निमित्त आ जाएगा तुमको तो पता चल जाएगा कि इससे शादी करना है कुछ नहीं करना है तुम्हें और साधना चलता रहेगा बंगाली में सेंटेंस कह सकते हो ठीक अच्छा जिस्ट यही है जिस्ट हाँ तो <laughs> <laughs> बांग्ला ऑडियंस है हमारी बहुत फिर उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे होगा फिर कब जॉब लगेगा कहाँ से कौन सा शिफ्ट करना है क्या करना है आगे जाके क्या होगा और इतना मैं बता सकता हूँ उस घटना के चार पाँच साल के बाद भी जब मैं पीछे जाके क्रोनोलॉजी सोचता हूँ तो जो जो चीज़ उन्होंने बताया सब हुआ एकदम हंड्रेड परसेंट एक्यूरेटली हुआ आई उन्होंने बोला कि इस साल में यू विल मीट योर वाइफ एकदम सही बात आई मेट माई वाइफ आफ्टर और कौन से जगह पे क्या होगा कैसे निमित्त होगा तुमको पता चलेगा कि ये ये जो है देवता का यही इच्छा है और एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा तो फिर कोई बाधा नहीं है सो अपने आप से सब कुछ होता रहेगा ठीक है और सब चीज़ था लेकिन फिर भी उनके अंदर वो ग्रीड था रहता है ह्यूमन बींग्स आर लाइक दिस वो हम लोग पूरा जो शड रिपू है पांच ग्रीड हो या लास्ट हो ये जाने में बहुत समय लगता है तो उनको लगा था कि कुछ एक प्रयोग कर देगा उन्होंने वो कर देंगे तो उसके बाद मैं जो भी साधना करूँगा जहाँ पे भी हूँ उसमें कुछ फ़ायदा उनका हो जाएगा इत्यादि और इसके लिए उन्होंने झूठ भी बोल दिया कि चलो तुम्हें दीक्षा दे, दे देता हूँ तो आई मैं तो बस यही मानता हूँ कि माँ कामाख्या उनका ब्लेसिंग था कि कुछ नेगेटिव नहीं हुआ उस समय पर बच गया बट आई दैट ये जो चीज़ बाद में जब सोचता हूँ एक कहावत था मैं कहीं पे पढ़ा था इंग्लिश में कि जो नेगेटिव नेगेटिव चीज होता है उसको आप ठीक ढंग से लो तो फिर वो एक्सपीरियंस बन जाता है आपका विजडम बन जाता है hmm. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए सीखते रहिए ग्रो करते रहिए हैप्पीनेस क्यूरियोसिटी ऑन द शो